हिमाचल और केंद्र सरकार के संयुक्त उपक्रम एसजेवीएन द्वारा 210 मेगावाट की लहुरी स्टेज वन जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य केंद्र से स्वीकृति मिलते ही तेज कर दिया है। लहुरी जल विद्युत परियोजना प्रबंधकों के अनुसार परियोजना निर्माण को निर्धारित समय 5 वर्ष से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना निर्माताओं का कहना है कि सबसे अहम कार्य आरम्भ में 1365 मीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को बदलना है। रामपुर उपमंडल के निरहत के समीप परियोजना के बांध निर्माण से राष्ट्रीय उच्च मार्ग जलमग्न होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे को बदलने का कार्य सबसे पहले शुरू किया गया है। इस कार्य को इस वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। आरएल नेगी लुहरी परियोजना के महाप्रबंधक ने बताया कि परियोजना निर्माण का कार्य कंपनी को दिया गया है। परियोजना निर्माण अवधि 5 वर्ष है, लेकिन वे विश्वास दिलाते हैं कि निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि परियोजना का प्रारंभ मुख्य कार्य बांध स्थल पर नेशनल हाईवे का डायवर्सन है। इसे बदलने के लिए नेशनल हाईवे को धनराशि दी गई है और कार्य प्रकृति पर है। कितनी लंबी होगी है सर? नेशनल हाईवे की जो लंबाई है 1360 मीटर है, जो नेशनल हाईवे एंड एचपीडब्ल्यूडी के विंग को हमने ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अवार्ड करने के लक्ष्य पूरा करा है। कल इनका मोबिलाइजेशन पीरियड 3 महीने के लिए होता है। ये साइट में अपना कार्य मोबिलाइज कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स, मशीनरी और मैन पावर की, और साथ साथ में ये कार्य फुल स्विंग में, हमें आशा ही नहीं पर विश्वास है कि फरवरी के महीने में ये काम जोरों पर शुरू होने की संभावना है। तो अभी जो कौन से काम हो रहे हैं? जो चल रहा है एक्सेस रोड, कैसे हम साइट तक पहुँच सकते हैं, उसका कार्य लेफ्ट बैंक से और राइट बैंक के माध्यम से चल रहा है। एक मशीन हमने लेफ्ट बैंक से राइट बैंक के नदी के माध्यम से लीन पीरियड में हमने इस मशीन को पार पहुँचा करके वहाँ के एक्सेस रोड के कार्य को करवा रहे हैं।